Is your mom a Bengal? Why? Because I'm Bharta. You are really funny. क्या करूं मीनू जी, हमारा दिल ही कुछ ऐसा है. क्या ये सब फनी लगता है लड़कियों को? ठीक है, हाँ सिर्फ तेरी इमेजिनेशन में. अच्छा सुन, कब है तेरा ये बैंगन भरता डेट? कल शाम. अच्छा, तभी आज सुबह सुबह नहाने की बातें कर रहा था. है तेरा प्लान क्या एक बार डेट का, मेरे से बता. देख भाई, मैंने तो सागर रत्न पाठक रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कर लिया है, जहाँ पे मैं एक महाराजा थाली ऑर्डर करूंगा जो कि ठीक 370 रुपए की है. उसके बाद मैं ऑर्डर करूंगा आइसक्रीम और उसके साथ हम करेंगे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें. और उसके बाद तू बिल के साथ सौंफ लेकर आएगा और मैं मिनरल को टिश्यू पेपर में ढेर सारा सौंफ लपेट के दूंगा. अच्छा तो तेरी इमेजिनेशन में मैं वेटर प्ले कर रहा हूँ. मैं नहीं कर तेरी हेल्प. अरे यार, वेटर का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है भाई. चल ठीक है, लेकिन ओनली बिकॉज वेटर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है. हाँ. सबसे पहले काम कर, ये सब भूल जा. बद्री, सबसे पहली बात, लड़कियों को पसंद होते हैं एटिकेट्स, यानी तमीज वाले लड़के. क्या समझा? रहने दे यार. तमीज तो इंसान देख के आती है. ये देख. Very well. Nice. Ma'am. Yeah. Sir. What would you like to have? दो महाराजा. अरे यार, तू क्या ऑर्डर कर रहा है यार? नहीं, मैं कहता हूँ, क्या ऑर्डर कर रहा है यार? भंडारे में आया क्या? कुछ ऐसा ऑर्डर करना जो इंसानों की तरह तमीज से बैठ के खाया तो जा सके. महाराजा थाली, कम ऑन, कुछ सोफिस्टिकेटेड ऑर्डर कर, कुछ क्लासी. जो तुझसे बोला भी ना जा सके. तू क्या तेरे बाप से ना बोला जा सके? क्रोइसेंट. क्रूज़ो. लेकिन हाँ, तू क्रूज़ो मंगवा. क्या क्या है वो? क्रूज़ो. क्रूज़ो. क्रू. क्रू. ज़ो. ज़ो. टू क्रूज़ो एंड टू कॉफी. वेरी वेल सर, वेरी वेल. आई विल टेक दिस. और मिनो जी, आप क्या खाएंगे? सॉरी 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 सॉरी. फिर से करते हैं. वापस से करता हूँ. भूल जाओ. डिलीट. फॉरगेट. मिटा दो. डिलीट इट. पर कर दो प्लीज. फिर से. चल. टू क्रूज़ो एंड टू कॉफी. That's it. Very well, sir. I'll just get that. क्या हुआ? करना बीच बीच प्यारी प्यारी बातें. वैसे तो इंस्टाग्राम पे तेरे बहुत फॉलोअर्स हैं. तेरे बहुत ट्वीट 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 करता है तू. क्या बातें करूँ यार, ट्विटर तो ऑनलाइन है, मतलब 10 बार ही एडिट कर सकते हो. काफी टाइम भी होता है लिखते वक्त, कोई देख सुन भी नहीं रहा होता. लाइव टेलीकास्ट में क्या समझ ही नहीं आ रहा था कुछ. सुन, बात कर उससे, पता करना कि उसकी हॉबीज क्या हैं. उससे पूछ उसके एम्बिशंस क्या हैं. उससे पूछ वो किसको जानती है, किसको पहचानती है. कौन उसको जानता है, कौन उसको पहचानता है. किसका भी बच्चा उसका फैन है और बड़े घर की कन्या पटाने वाला फंडा तो है ही है. इसको कहते हैं पैदा. सुनील जी, tell me something about your. मैं चूतिया. इसके बारे में कौन बात करता है यार? मैं एक्सपीरियंस पूछ रहा था यार. बद्री, एक्सपीरियंस पूछने का नहीं, एक्सपीरियंस करने का टाइम है. कम ऑन यार, बी लिटिल कॉन्फिडेंट. एकदम क्लासी हो जा. सुट्टा जला ले. एक सेकंड. सिगरेट पीती हो? क्यों साले, जज करेगा तू उसे? मैं क्यों जज करूंगा बद्री? मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक नॉन स्मोकर लड़का और एक स्मोकर लड़की कभी कपल नहीं बन सकते. क्यों नहीं बन सकते कपल? मेरे भोले भोले बद्री, मुझे एक बात बता. जब तुम किसी पार्टी या क्लब में जाओगे और उसका सुट्टा पीने का मन करेगा तो किसके साथ जाएगी? तेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ. उनको प्यार हो जाएगा और उन दोनों में शादी हो जाएगी. मेरा बेस्ट फ्रेंड तो तू है, तू शादी क्यों करेगा उससे? क्योंकि मैं तेरी तरह उसका दिल नहीं तोड़ सकता ना बद्री. तू दिल क्यों तोड़ेगा उसका? तेरी बंदी के चक्कर में मैं सुट्टा पीना छोड़ दूं? वो नहीं पीती यार सिगरेट. ओह, फिर तो बहुत लंबा जिएगी वो. क्यों? सिगरेट ही पीती ना. भाई पॉइंट पे आएगा तू. मेरे प्यारे बद्री, मैं यही कह रहा हूँ कि उससे अपनी रियल साइड से मिला. उसको अपने टैलेंट दिखा. क्या है तेरा असली टैलेंट? क्या कर सकता है?
नहीं यार ये बहुत क्लीशे है, कुछ 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 और सोच। हाँ हाँ, बिना आम छिले गुठली निकाल सकता हूँ मैं। यार बद्री तू पागल है क्या? इस टाइम पे आम कहाँ से लेंगे यार हम? पॉइंट पाम रीडिंग, आई एम द बेस्ट एट इट। रियली? बेटा भी देख दो ना प्लीज। व्हाई नॉट व्हाई नॉट, तुम्हारे हाथों में लिखा है 834 अगर नंबर लिखा हो। नहीं नहीं प्लीज, ये वाला। नॉट माय प्लेजर, बटर चिकन तुम्हारी हाथों की लकीरें कह रही है कि कल शाम में जो तुम्हें लड़का मिलेगा वो तुम्हारे सपनों का रट। बेटा तेरा वॉशरूम यूज करना है। हाँ बाबा जाइए, आप ही का घर है मतलब। यार तू अजीब बेगैरत आदमी यार, 26 साल का हो गया अपने बाप के साथ रहता। तो मैं क्या अभी क्या अभी बंटवारा कराऊं तेरे लिए? एक तो यार एक तो टेंशन हो रहा है कि मीनल को क्या बोलना है क्या नहीं करना है, कल डेट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स रिलैक्स करे। अच्छा सुन, ब्रेक लेते हैं, कुछ और बात करते हैं। अरे तूने वो MX Player की नई वेब सीरीज का ट्रेलर देखा? हे प्रभु, बिल्कुल तेरी सूरी है ब्रो। ये लड़का भी तेरी तरह इंटरनेट का गॉड है, ट्विटर का राजा है, ये भी तेरी तरह अपने माँ बाप के साथ रहता है, बट ऑफलाइन कॉन्फिडेंस लिटिल बिट इज नॉट इट। इसको परफॉर्मेंस प्रेशर है, फटने से पहले फिस, तेरी तरह है। तू अपना देख ले भाई, आजकल सारा दोस्त वो सपना पे डालते जा रहा है। प्रभु अबू का प्रोग्राम बाद में देख लेंगे भाई, तू बताना आगे क्या बोलना है यार। तेरे को क्या बोलना है बताने की जगह मैं तेरे को ये बताया दूं क्या नहीं बोलना। जैसे? जैसे कि अननेसेसरी बातें मत कर। कहाँ रहती हूँ, फिर कब मिलोगी, 500 का छुट्टा है कि नहीं, ये सब बातें मत कर, बी कैजुअल। और हाँ, उसके एक्स के बारे में बिल्कुल बात मत करियो। और अगर उसने अपने एक्स के बारे में बात करना चालू कर दिया तो? That's a very good question. उसको डिस्ट्रैक्ट कर, उसको टॉपिक से दूर ले जा, जोक सुना, ये वाला नहीं वो कुत्ते वाला सुना, इंटरैक्टिव लग, और फिर तेरी डेट हो जाएगी सक्सेसफुल। परफेक्ट। नो बद्री मेरे भाई, अभी सबसे लास्ट और सबसे डेंजरस स्टेप बाकी, क्योंकि बड़े बड़े डेट्स पे जाने वाले खिलाड़ी भी इस स्टेप पे जीरो पे बोल्ड हो जाते हैं। इस खेल का नाम है बिल स्प्लिट। अब तेरे कल कहने से कि बिल मैं भरूंगा, इसका क्या असर होगा वो तो सिर्फ मीनल पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मीनल माइल्ड फेमिनिस्ट हुई तो मैं तेरे को बता दूं, 2 कॉफी और 2 क्रोसॉन के कुछ 370 रुपये मिलते हैं GST बना के, विच यू क्लियरली कांट अफोर्ड। अगर वो रेगुलर फेमिनिस्ट हुई तो बिल हाफ हाफ स्प्लिट हो जाएगा, विच यू कैन अफोर्ड। लेकिन अगर वो अल्ट्रा फेमिनिस्ट निकली तो तेरे को शायद बिल का 1 पैसा भी ना देना पड़ेगा, लेकिन वो जिंदगी में कभी भी तेरी शक्ल नहीं देखेगी। तो कल जब बिल आए तो सोच समझ के बोलो जो बोलना है, क्योंकि मेरे को तो कोई आइडिया नहीं ब्रो। चल बाय। Should I pay the bill? Excuse me?